मथुरा में बूरी वाला आश्रम का विवाद लगातार तूर पकड़ता जा रहा है। इस बार फिर से सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बूरी वाला आश्रम पर कुर्की की कार्यवाही के आदेश के बाद प्रशासन के द्वारा कुर्की की कार्यवाही के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भूरी बाला आश्रम में चल रहे विवाद ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। शुक्रवार को भूरी बाला आश्रम पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की के आदेश पर सीओ सदर प्रवीण कुमार, वृंदावन थाना प्रभारी व अन्य चौकियों की फोर्स मौके पर पहुंची। भूरी बाला आश्रम काफी समय से अवैध कब्जे को लेकर चर्चा में है। कुर्की के आदेश पर कार्यवाही के लिए सीओ सदर, वृंदावन थाना प्रभारी, भारी पुलिस बल मौके के साथ पहुंचे, जहां पुलिस को देख आश्रम में रह रहे संत विद्यार्थियों द्वारा आश्रम के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। पुलिस द्वारा कटर मशीन मंगाकर ताला काटने का आदेश पूर्ण करने की तैयारी भी की गई। काफी देर चले इस विवाद के बीच मथुरा जिला जज द्वारा कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल वापस लौट गया। मनोज अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। महाराज जी, आज जो कुर्की का आदेश आया था, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला सर, ये 16 तारीख को नोटिस चिपकाया गया आश्रम में, आश्रम को कूड़ा करने के आदेश दिए गए। वो धारा लगी है 145, वो धारा 146 कर दी गई है। उसके आदेश हमें 16 तारीख को चिपकाए गए यहाँ पर, और 22 तारीख को नोटिस दे दिया गया, और आज 25 तारीख है। आज कूड़क करने के लिए, ताला लगाने के लिए आ गए आश्रम में। आश्रम की पूजा पद्धति जो है हमारी सारी खराब करने का प्रशासन का इरादा था, और जो हमारे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था आश्रम में, वो 7 अक्टूबर को हुआ था, उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और 307 हमारे वो धारा लगी है, 307 के हमलावर जो थे, 395 के हमलावर, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे जो क्रास FIR हुई, उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन सारा एकदम बहुत जल्दी एक्टिव हो रहा है, जिसमें हमें 10 दिन का भी समय नहीं दिया जा रहा कार्रवाई करने के लिए। कोर्ट में शनिवार इतवार को कार्रवाई बाधित होती है, उसका भी हमें समय नहीं मिल पाया। और आज कुर्की के आदेश लेकर के पुलिस प्रशासन ने हमें ठीक 1-2 घंटे तक परेशान किया, कटर लेकर के आ गए, ताला लेकर के आ गए, धमकाते रहे पुलिस वाले। CO CT जो है वो बहुत नाजायज ढंग से हमें पेश आता रहा, धमकाता रहा।